दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज जो सोने से बनाई जा सकती है वो दुबई में मौजूद है। दुबई का आम रेजिडेंट इतना सोना यूज करते हैं कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम आमतौर पर सोना पहनने के लिए या आप ज्यादा शौकीन हो तो शो ऑफ के लिए यूज करते होंगे, लेकिन यहाँ के शेख्स तो सोने की घड़ियां, गाड़ियां, बिस्किट्स, आइसक्रीम, यहाँ तक कि केक तक में सोने का यूज करते हैं। यह सोना ग्राम के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो आखिर कैसे दुबई में सोना इतना सस्ता मिलता है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। दुबई में एक ऐसी गोल्ड मार्केट है जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा सिर्फ सोने की दुकानें ही मौजूद हैं, जो हर साल लाखों किलो का सोने का बिजनेस करती है। इस मार्केट का नाम है दुबई गोल्ड सू। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि दुबई में इतना सोना आता कहाँ से है और कैसे दुबई इतने सस्ते दाम में इतना बेहतरीन क्वालिटी के सोने का व्यापार कर पा रहा है कि दुनिया के हर कोने में दुबई का सोना इतना फेमस है। दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक शानदार ज्वेलरी तैयार की जाती है और फिर उन तैयार ज्वेलरी पर दुबई का स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का रेट भी दुबई में मौजूद ज्वेलरी के रेट के समान हो जाता है। दोस्तों, दुबई में तैयार ये ज्वेलरी इतनी प्योर होती है कि सिर्फ दुबई में ही नहीं दुनिया के हर कोने में ये ज्वेलरी बेची जाती है और इसमें हमारा भारत भी शामिल है। और इस तरह दुबई हर साल 1200 टन का बिजनेस करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर दिन जो गोल्ड बिकता है उसका लगभग 30% सिर्फ दुबई में बिकता है। यहाँ पर सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि यहाँ पर गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनियां काम करती है। अब सोने का ये क्रेज तो हम इंडियंस को अच्छे से समझ में आता है। यहाँ शादियों से लेके एनिवर्सरी, बर्थडे, हर चीज में सोना सबकी पहली पसंद होती है। लेकिन सोने की ये शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है और वही दुबई में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता पूरे दुनिया में सबसे अच्छा है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड का बिजनेस करते हैं वो सारा सोना सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके साथ ही हर दुकानदार अपने बेचे हुए सोने पर हॉलमार्क लगाकर बेचता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है और ये हॉलमार्क पूरे दुनिया में प्रमाणित है। यही नहीं, अगर कोई दुकानदार बिना हॉलमार्क के सोना बेचता है या मिलावटी सोना बेचने की कोशिश करता है तो उसे यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, दुबई में कानून कितने सख्त है ये तो आपको पता ही है। फाइन या फिर सजा के डर से यहाँ नकली या फिर लो ग्रेड सोने का व्यापार ना के बराबर है। इसके अलावा दुबई में बाकी देशों के कंपैरिजन में सोना काफी सस्ता आता है, जिसका मेन रीजन ये है कि बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे इंडिया में वैट, जीएसटी, लेबर, एक्साइज ड्यूटी, जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड खरीदने पर सिर्फ 5% वैट लगता है। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट दुबई छोड़ते समय वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिससे टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही पूरे दुबई में सोने की कीमत हर दुकान में एक ही होती है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा खरीदार को ये होता है कि आपको हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइसेस को नेगोशिएट नहीं करना पड़ता, जिससे कस्टमर का बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। हालांकि दुबई में गोल्ड का रेट फिक्स्ड होता है, लेकिन यहाँ भी आप लेबर चार्जेस को नेगोशिएट कर सकते हो। दोस्तों, दुबई के गोल्ड सुक में 1000 से भी ज्यादा बड़े दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल्स में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे मलाबार, कल्याण ज्वेलर्स, तमास जैसे ब्रांड्स मौजूद है। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रीमियम डिजाइन मिल जाती है और सिर्फ मॉल ही नहीं, आप पूरे दुबई में कहीं भी गोल्ड की शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धता की गारंटी यहाँ पर हर जगह आपको मिल जाती है। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक और फायदा ये है, अगर आप दुबई का सोना एक्सचेंज कराने जाते हो तो जितना वेट आपके ज्वेलरी का होता है उतना ग्राम प्योर सोना माना जाता है और कोई भी बट्टा नहीं काटा जाता। क्योंकि आप भी दुबई सोना खरीदने के लिए जाना चाहते हो तो इससे पहले ये जान लीजिए कि आप कितना सोना बिना टैक्स दिए दुबई से ला सकते हो। सो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के मुताबिक कोई भी भारतीय जो वैलिड पासपोर्ट होल्डर है, अगर वो पुरुष है तो अपने साथ 20 ग्राम तक सोना ला सकता है या फिर जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा ना हो उतना सोना ला सकता है। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम गोल्ड या जिसका मूल्य 1,00,000 तक होता है आप बिना टैक्स लिए ला सकते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा सोना लाना चाहते हो तो आपको 12.5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। और अगर आप इससे भी ज्यादा सोना लाना चाहते हो तो आपको दुबई में कम से कम 6 महीने रहना पड़ता है, उसके बाद ही आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन के फॉर्म में ला सकते हो। और इससे भी ज्यादा लाना है तो एक्स्ट्रा सोने पर आपको 36.05% कस्टम ड्यूटी चार्जेस लगेगी।
तो दोस्तों अगर आप भी दुबई से सोना खरीद कर इंडिया लाना चाहते हो तो नियमों का पालन आपको जरूर करना होगा और कोई भी रूल को तोड़ने की कोशिश कभी भी ना करें। दुबई गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि दुबई में हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अगर वो इन टूरिस्टों को यहाँ के ज्वेलरी से अट्रैक्ट कर पाए तो वो साल भर में कितना पैसा कमा सकते हैं। और इसी सोच ने दुबई के अंदर खड़ा कर दिया 100% प्योर और शानदार डिजाइन वाले ज्वेलरीज का लाखों करोड़ों का बिजनेस। तो दोस्तों क्या आप भी दुबई जाना चाहते हो सोना खरीदने के लिए? तो आई होप इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका होगा जिससे कि आप आराम से दुबई से सोना खरीद के ला सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। सब्सक्राइब टू की फैक्ट्स टीवी चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।